इंजेक्टेड पॉइजनिंग जो है, इंजेक्टेड यानी हमारे शरीर में इंजेक्ट किया गया जो पॉइजन है, ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन के द्वारा ही हो। वो इंजेक्टेड पॉइजनिंग से जो अर्थ है वो है कि या ये इंसेक्ट का या एनिमल्स का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उसको भी इंजेक्टेड पॉइजनिंग में ही आता है। ठीक है, यह कई स्रोतों से हो सकता है, जैसे दवाइयों के दुरुपयोग से, कीड़ों के डंक से या जानवरों के काटने से हो सकता है। ठीक है, कारण क्या क्या है? कीड़े के डंक से आप लोगों को पता है, कीड़े जो डंक मारते हैं उनसे हो सकता है, जैसे कि मधुमक्खियाँ। बम्बल बीज भी वैसे ही एक बीज की कैटेगरी में आता है, आप लोग गूगल रेफर करिएगा, इन सब का पिक्चर्स एक बार देख लीजिएगा। ततैया, हॉर्नेट्स, फायर एंट्स एक रेयर स्पीशीज है, मतलब एक विलुप्त विजाति है, जो कि साउथ US में ही पाया जाता है। ठीक है, और काटने एवं खून चूसने वाले जो कीड़े हैं उनकी अलग है, उनके डंक से भी हो सकता है, जैसे टिक्स, मक्खियाँ, मॉस्किटोस। मक्खियों के भी कई प्रजातियां हैं, जैसे ब्लैक बीज, सैंड बीज, सॉरी बीज नहीं, फ्लाइज, मक्खियाँ फ्लाइज होती हैं, सॉरी फ्लाइज, ब्लैक बैक फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, डियर फ्लाइज, हॉर्स फ्लाइज। ठीक है, ये सब मक्खियों की जो डिफरेंट वराइटीज़ हैं। और मस्कीटोज यानी कि मच्छर, और बेड बग्स क्या होता है, खटमल और पिस्सू। ठीक है, इन सब के डंक से हो सकता है, खून चूसने वाली चीज़ें हैं ये सब, इनके पॉइजन से हो सकता है। इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है, परंतु जब इनका लार हमारी त्वचा को इरिटेट करता है और हमारे शरीर में संक्रमण का कारण बन सकता है। ठीक, इसके लक्षण हैं ये शार्प दर्द, मतलब शार्प दर्द होना, जिसके बाद खुजली हो सकता है, जलन हो सकता है, और लाल रंग का रिंग या बम्प या छोटा पिंपल जैसा काटने वाली जगह पे, सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार होना, सर दर्द होना और शरीर में दर्द होना। ठीक है, और इसके टेस्ट में है हिस्ट्री टेकिंग, डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा है इंसेक्ट वेनम एलर्जी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें त्वचा को छोटी मात्रा में वेनम से कुरेदा जाता है और देखते हैं कि कितने बड़े हाइव्स बन रहे हैं, चकते बन रहे हैं। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा, क्या चीज़ ने काटा है और कितना इसका एलर्जी है। ट्रीटमेंट पे हम क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन जब भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, और जहाँ पे डंक है वहाँ पर आइस पैक्स लगाते हैं, और स्टिंग अगर होता है इंसेक्ट का, जब उसका जो वो होता है, जिस चीज़ से वो स्टिंग करता है या डंक मारता है, वो अगर टूट के हमारी स्किन के अंदर है, तो उसको धीरे से इसको निकालेंगे, आइस पैक्स लगाएंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे दर्द के लिए, NSAIDs लगाएंगे, और मोस्टली ये सेल्फ हील हो जाता है, सेल्फ हीलिंग हो जाता है इसका। ठीक है,